Hyundai.com. विश्वास वही रफ्तार नई। चंद्रमा हमेशा से वैज्ञानिकों की जिज्ञासा का विषय रहा है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी चंद्रमा को मन पर प्रभाव डालने वाला बताया गया है। बचपन से हम चंदा मामा की कहानी सुनते रहे हैं। धरती और चांद का कोई नजदीकी रिश्ता है, वैज्ञानिक इसकी जांच कर रहे हैं। दरअसल कई वैज्ञानिक दावा करते रहे हैं कि चांद पर पानी है और भविष्य में धरती से बाहर मानव कॉलोनी बनाने में चांद की मदद ली जा सकती है। अब अमेरिकी वैज्ञानिकों ने भी माना है कि चांद के गड्ढों में पानी मिल सकता है। इनका दावा है कि चांद के क्रेटर्स में दिन में भी बर्फीला पानी मिलने की संभावना है। इसके पहले नासा के वैज्ञानिकों ने कई मौकों पर चांद की सतह पर रात के समय पानी होने का अनुमान जता चुके हैं। उनके मुताबिक सूरज की रोशनी में बर्फीली पानी की परत गायब हो जाती है। अब नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक इसरो के चंद्रयान 1 ने चांद के दिन वाले हिस्से में पानी की मौजूदगी के संकेत दिए थे। इसे नासा के स्ट्रेटोस्फियरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी मतलब सोफिया ने भी माना था। नासा के वैज्ञानिकों का दावा है कि चंद्रयान 1 समेत कई दूसरे स्पेसक्राफ्ट ने चांद की सतह पर पानी के संकेत और सबूत दिए थे, लेकिन चांद का सतह और पर्यावरण मानवों के लिए उचित नहीं है। इसी बीच नासा के हालिया प्रकाशित एक आर्टिकल में चंद्रमा के अंधेरे वाले सतह पर पानी के होने का दावा किया गया है। इसमें दावा किया गया है कि चंद्रमा की सतह पथरीली और उबड़ खाबड़ है। कई जगहों में दिन में भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती है। उन इलाकों में पानी किसी रूप में मौजूद हो सकता है। नासा के जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के साइंटिस्ट जॉर्न डेविडसन के मुताबिक चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी हो सकती है। डेविडसन ने सोना हुसैनी के साथ एक कंप्यूटर मॉडल बनाया। इससे साफ होता है कि चांद की सतह एक समान गर्म नहीं होती। कई स्थानों पर परछाइयों के भीतर पानी के कण मिल सकते हैं। दोनों वैज्ञानिकों का मानना है कि दिन की गर्मी के बावजूद चांद की सतह पर मौजूद परछाइयों में पानी के संकेत मिले हैं। इसके चांद की पूरी सतह पर मौजूद होने का अनुमान भी जताया गया है। ऐसा माना जाता है कि दोपहर के समय कम और सुबह शाम और रात में पानी की मौजूदगी ज्यादा हो सकती है। दोनों वैज्ञानिकों ने कई रिसर्च और डेटा के जरिए अपनी बातें सामने रखी है। दरअसल चांद और मंगल ग्रह को हमेशा से धरती के बाहर दूसरे घर के रूप में देखा जाता रहा है। कुछ दिनों पहले द ओपन यूनिवर्सिटी और RAL स्पेस की टीम ने एक्सोस्फेरिक मास स्पेक्ट्रोमीटर तैयार किया था। इसे हार्ट ऑफ अ लूनर सेंसर कहा जाता है, जो चांद पर भेजे जाने वाले मिशन के लिए पानी और बर्फ की मौजूदगी का अध्ययन करेगा। इस उपकरण को नासा को डिलीवर करने की खबर भी आई है। इसे साल के अंत तक चांद पर भेजा जाएगा। चलते चलते आपको बता दें कि जिस तरह से चांद पर पानी की मौजूदगी का अध्ययन किया जा रहा है, वो भविष्य में धरती के वैज्ञानिकों के लिए कोई बड़ी उपलब्धि से कम नहीं होगी। इस अपडेट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।